ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे ज्यादा पवित्र और पूजनीय माना जाता है। कहते हैं तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, तुलसी में साक्षात माँ लक्ष्मी वास करती है। इतनी पवित्र और पूजनीय होने के बाद भी कुछ लोग कहते हैं हम तुलसी में सुबह के समय जल भी अर्पित करते हैं, शाम के समय दिया जलाते हैं, तुलसी हमारी लगी हुई भी सही दिशा में है। फिर ऐसा क्या कारण है कि इसके बावजूद भी हमारे घर में धन नहीं रुकता, कर्ज हम पे बढ़ता जा रहा है, आर्थिक तंगी का हमें सामना करना पड़ता है, घर में पैसा आता है पैसा खर्च हो जाता है, घर में बरकत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसको करने से दोस्तों आपको कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, पैसों की वजह से आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। ये उपाय बहुत ही आसान है, इसे आप आसानी से घर पर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, तुलसी जिस घर में लगी हो उस घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, साथ ही तुलसी हमें जीवन में आने वाली परिस्थितियों के बारे में संकेत देती है। तुलसी हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति सचेत करती है कि हमारे जीवन में खुशियां आने वाली है या कोई मुसीबत आने वाली है, इस चीज़ का संकेत तुलसी पहले ही दे देती है। इन चीज़ों को आपको कैसे समझना है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में आपने हर घर में तुलसी का पौधा देखा होगा। माना जाता है जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। ये भी माना जाता है कि तुलसी का पौधा बिना किसी कारण से सूखने लगे तो इस परिवार पर कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। तुलसी के पौधे की लोग पूजा बड़ी ही श्रद्धा के साथ करते हैं जिसके कारण घर में खुशहाली भी बनी होती है। अक्सर हमारे घरों में नियमित रूप से तुलसी पर जो जल अर्पित करती है महिलाएं करती है, सुबह नहा धोकर तुलसी पर जल अर्पित करती हैं, शाम के समय दिया जलाती हैं, घर में जिससे सुख समृद्धि आती है। तुलसी पूजा के शास्त्रों में कुछ खास नियम बताए गए हैं। यदि हम ज्योतिष शास्त्र की माने इन नियमों का पालन करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास भी होता है। नियम पूर्वक तुलसी पर जल चढ़ाने से, तुलसी की पूजा करने से घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास होता है, भगवान विष्णु की कृपा भी घर परिवार पर बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, जहाँ तुलसी पर आप एक तरफ जल चढ़ाते हैं, इसके अलावा तुलसी के पौधे में गुरुवार के दिन जो कि भगवान विष्णु का होता है उस दिन थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर चढ़ाइए। ऐसा करने से आपको धन लाभ मिलता है। कहते हैं तुलसी पर जल चढ़ाने से और दूध चढ़ाने से आपको अनगिनत फायदे मिलते हैं। यदि आप तुलसी के पौधे में नियमित रूप से जल में कुछ कच्चे दूध की बूंदें मिला लीजिए, उसे अर्पित करें, तो ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। क्योंकि तुलसी जो होती है वो भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है, इसीलिए कहते हैं तुलसी पर दूध चढ़ाने का मतलब होता है कि आप भगवान विष्णु को भी दूध अर्पित कर रहे हैं। और इस उपाय से घर में सुख समृद्धि आती है, धन के लाभ होते हैं, घर में बरकत होती है और कभी भी व्यक्ति का पैसों की वजह से कभी कोई कार्य नहीं रुकता। यदि आपके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है तो धीरे धीरे आपका कर्ज भी उतरने लगेगा। इसके अलावा ये उपाय आप गुरुवार के दिन करें तो आपकी कुंडली में यदि बृहस्पति कमजोर है तो आपका बृहस्पति भी मजबूत होता है, घर के सभी कलह क्लेश भी दूर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, घर में तुलसी रखने के शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। यदि आपने अपने घर में तुलसी का पौधा लगाया है तो इसे सही दिशा में जरूर लगाइए। तुलसी का पौधा लगाया है तो इसे आप अपने घर के उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में लगाइए। ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है। माना जाता है तुलसी के पौधे को गलत दिशा में ना रखें। यदि आप इसे गलत दिशा में रखते हैं तो आपके घर में एक तो आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, आपके घर में बरकत नहीं होती और आपके घर में बिना वजह लड़ाई झगड़ा रहने लगता है, साथ ही घर में नकारात्मक शक्तियों का भी वास होता है। तुलसी को कभी भूलकर भी दक्षिण दिशा में ना रखें। तुलसी के पौधे पर नियमित जल चढ़ाना अच्छा होता है, लेकिन रविवार के दिन तुलसी पर जल ना चढ़ाएं। रविवार एकादशी, इस दिन तुलसी माता पर जल नहीं चढ़ाया जाता। तुलसी की पत्तियों को कभी भी भगवान शिव पर या गणेश पर नहीं चढ़ानी चाहिए। कुछ लोग अपने घरों में शिवलिंग रखते हैं जो कि इसे तुलसी के गमले में रखते हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। अपने घर में यदि शिवलिंग रख रहे हैं तो उसे मंदिर में रखें, तुलसी के गमले में शिवलिंग को भूल कर भी ना रखें। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा लगा है और आपने कभी ध्यान से तुलसी के पौधे को देखा होगा तो तुलसी का पौधा भविष्य में आने वाली परेशानियों का संकेत देता है। अक्सर हमने ज्योतिष शास्त्र में सुना है कि कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जैसे कि कोई बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम कहते हैं इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, ये किसी अनहोनी का संकेत होता है। कहीं आसपास कोई कुत्ते का रोना सुना होता है तो ये अशुभ संकेत होता है। ऐसे ही कुछ पौधे होते हैं जो हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में संकेत देते हैं, भविष्य के प्रति हमें सजग करते हैं। ऐसा ही पौधा तुलसी का है जो हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और पूजनीय माना जाता है। कोई भी पूजा पाठ इस पौधे के बिना संभव नहीं होती। लड्डू गोपाल के भोग में, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल शामिल की जाती है। अक्सर तुलसी का पौधा भविष्य में आने वाली परेशानियों का संकेत किस तरीके से देता है दोस्तों, यदि आपके घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लगे तो समझिए आपके घर में पितृदोष हो सकता है। इसके लिए आपको ठीक से इसकी देखभाल करने की जरूरत है। कभी कभी मौसम की वजह से भी तुलसी का पौधा सूखता है या ज़्यादा पानी देने की वजह से जड़ तुलसी की गल जाती है, इस वजह से भी सूखता है। लेकिन यदि अक्सर तुलसी का पौधा बिना किसी वजह से आपका सूख रहा है, हरा भरा पौधा है और अचानक से वो सूख जाए,
तो ये किसी परेशानी का संकेत हो सकता है। ये इस बात का संकेत है कि आपके घर में पितृदोष भी हो सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है, या आपको छुपाए भी कर सकते हैं। नया तुलसी का पौधा आप इसकी जगह पर लगा लीजिए। पुराने तुलसी के पौधे को उखाड़ करके किसी बहते हुए पानी में आप इसको प्रवाहित कर दीजिए। और ये पितृदोष के जो संकेत होते हैं, इनके लिए आप अपने घर में पितरों के नाम से दान ज़रूर करें, या किसी पंडित से पितृदोष की आप पूजा करवा सकते हैं। यदि आपके घर में कलह कलेश रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, तो भी तुलसी बार बार सूखने लगती है, तो इसको देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परेशानियों का जो कारण है आपके घर में, जो कलह कलेश का कारण है, ये पितृदोष का है। इसका निवारण आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए आपको छुपाए कर सकते हैं, किसी पंडित से आप अपने घर में पितृदोष की पूजा करवा सकते हैं। यदि आप तुलसी के पौधे की सही से देखभाल नहीं कर सकते, तो इसे आपको अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पौधे को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करने से, इसके पास शाम के समय दिया जलाने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। शाम के समय तुलसी के पौधे पर दिया जरूर जलाइए। साथ ही चावल का आसन, जो कि माँ लक्ष्मी के प्रिय होते हैं, उनका आसन चावल दिए के नीचे लगाइए। इसके बाद में आपको तुलसी के पौधे पर जब नियमित रूप से जल चढ़ाते हैं, तो इसमें थोड़े से कच्चे बूंद दूध की बूंदें जरूर डालकर चढ़ाइए। ऐसा करने से मंगल कामना की आप प्रार्थना करें, और ऐसा करने से आपके घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, तुलसी का पौधा जो होता है, सुख समृद्धि का संकेत भी देता है। तुलसी का पौधा सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। घर में खुशहाली के लिए नियमित रूप से जब आप तुलसी पर जल चढ़ाते हैं, तो माँ लक्ष्मी से प्रार्थना जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई, तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।